गुजरात में चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस, भाजपा और आप तीनों के बीच एक भारी टक्कर है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे किए, लेकिन इसमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया नजर आ रही है। पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का वादा किया है। वहीं बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर जेल भेजने की बात भी कही है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री ने तो ये तक कह दिया है कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। उन्होंने कहा इस चुनाव में उन्हें औकात दिख जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सरकारी की भर्ती में भ्रष्टाचार और बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी वादा किया है। साथ ही बेरोजगारों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करने, हर घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने जैसे वादे भी शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस हमेशा से मैनिफेस्टो को महत्व देती है। सोनिया गांधी का सख्त निर्देश रहता है कि मैनिफेस्टो को प्रायोरिटी में रखें। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जो वचन दिए हैं वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। 6 लाख लोगों से पूछकर हमने मैनिफेस्टो बनाया है।